देश में 1 दिसंबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर 1 दिसंबर के बाद जब आपसे इसका सामना होगा तो फिर परेशानी हो सकती है। 1 दिसंबर से 4 बड़े बदलाव होने हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से। 1 दिसंबर से बैंक ग्राहकों के लिए RTGS की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 दिसंबर 2020 से RTGS ट्रांजैक्शन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है। इससे पहले RBI ने NEFT के नियमों में भी बदलाव किया था। NEFT की सुविधा दिसंबर 2019 से 24 घंटे उपलब्ध हो गई है। मौजूदा नियमों के मुताबिक दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर महीने के सभी वर्किंग डे पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक RTGS की मदद से फंड ट्रांसफर किया जा सकता था, जो 1 दिसंबर से बदल जाएगा और अब 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना संकट की वजह से अभी भी कई रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है, लेकिन अब रेलवे की ओर से 1 दिसंबर से कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। 1 दिसंबर से यात्रियों के लिए झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल ट्रेन उपलब्ध होंगी। रेलवे ने बताया कि दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है। बैंक के मुताबिक नया नियम काफी सिक्योर होगा। 1 दिसंबर से PNB वन टाइम पासवर्ड OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। PNB की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी अब OTP बेस्ड होगी। PNB बैंक में ये नियम 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच लागू होगा। मतलब ये है कि इस समय विधि में 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट निकालने के लिए PNB ग्राहकों को OTP की जरूरत होगी, इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं, यानी कीमतें बढ़ने घटने पर विचार करती हैं। ऐसे में संभव है कि 1 दिसंबर को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। नवंबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था। न्यूज़ तक ब्यूरो।